कानपुर में कोयले से लदी मालगाड़ी के डिब्बे में लगी आग। फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर पाया गया काबू। जूही थाना क्षेत्र के परमपुरवा जूही याद की घटना। सीतापुर में किन्नरों ने 20 सड़क पर जमकर काटा बवाल। बच्ची को गोद लेने के विवाद में हुआ हंगामा। किन्नरों ने पुलिस की गाड़ी पर किया पथराव। उल्टे पांव भागी पुलिस। बदायूं में संदूक के अंदर से मिला हनुमान मंदिर के पुजारी का शव। इलाके में फैली सनसनी। करीब 15 वर्षों से हनुमान मंदिर में रहते थे बाबा हंसराज। गाजियाबाद में हिंडन पुल पर धरने पर बैठे छात्र। विजयनगर थाने के जल निगम चौकी इंचार्ज पर लगाए मारपीट का आरोप। छात्रों ने पैसे नहीं देने पर मारपीट का लगाया आरोप। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर टैंकर में लगी आग। वायरिंग में शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा। टैंकर चालक और हेल्पर ने कूदकर बचाई अपनी जान। बस्ती में गड्ढा मुक्त अभियान को पलीता लगा रहे पीडब्ल्यूडी के अफसर और ठेकेदार। सड़क पर पुराना मोबिल डालकर बिछाया जा रहा डामर। हादसे भी उखड़ रही है नई सड़क। फतेहपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पर चढ़ते वक्त महिला ट्रेन के नीचे आई। सादी वर्दी में तैनात जीआरपी के सिपाही ने महिला को खींचकर बचाई जान। घटना सीसीटीवी में है। शाहजहांपुर में वोटर लिस्ट से नाम कटे होने से नाराज एक शख्स ने पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया। बीएलओ और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। आगरा में मासूम के अपहरण से पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। घर के बाहर खेल रहे मासूम को उठाकर ले गया युवक थाना। शाहगंज क्षेत्र के दौरेठा का मामला। झांसी और प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। निकाय चुनाव को लेकर सीएम प्रबुद्ध सम्मेलन को करेंगे संबोधित। सीएम योगी झांसी से बुंदेलखंड को देंगे करोड़ों की सौगात। बीजेपी ने मैनपुरी उपचुनाव में झोंकी ताकत। प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र चौधरी बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। आज भाजपा में शामिल हो सकते हैं सपा के कुछ नेता। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर एक्शन में समाजवादी पार्टी। आज करहल विधानसभा क्षेत्र में अखिलेश यादव का जनसंपर्क अभियान। किशनी में जनसंपर्क अभियान करेंगे डिंपल यादव। खतौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा की घेराबंदी। आज खतौली में रहेंगे पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं से उपचुनाव का जायजा लेंगे। मैनपुरी में सैनिक प्रकोष्ठ की मीटिंग हुई। इस मौके पर धर्मेंद्र यादव ने कहा कि फौजी लोगों का झुकाव स्वाभाविक तौर पर समाजवादी पार्टी से रहा है। साख के चुनाव में जीत का दावा किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जसवंत नगर में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। अखिलेश यादव पर कसा तंज। कहा उपचुनाव जीतने के लिए चाचा की थोड़े खुजा रहे हैं। मैनपुरी सीट के उपचुनाव में भाजपा भी ले रही है मुलायम सिंह यादव के नाम का सहारा। डिप्टी सीएम के शिव प्रसाद मौर्य बोले नेताजी का आशीर्वाद भाजपा के साथ। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में किया प्रचार। नहीं बचेगी सपा की कोई विरासत। विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले। तीन सीटों के उपचुनाव पर बोले ब्रजेश पाठक। उन्होंने कहा कि हम तीनों सीटों पर चुनाव जीतेंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लोगों का भरोसा कमल पर बढ़ा है। रामपुर में आजम खान ने कई लोगों को ज्वाइन करवाई पार्टी। कहा रामपुर में हो रहे जुल्म को आने वाली नस्लें सदियों तक रखेंगे याद। जुल्म और अन्याय का अध्याय होगा खत्म। मैनपुरी में उपचुनाव को लेकर बोले मंत्री नरेंद्र कश्यप। भाजपा को मिल रहा जनता का आशीर्वाद। रामपुर और आजमगढ़ के बाद मैनपुरी में भी खिलेगा कमल। भाजपा नेता हरिओम यादव ने सपा पर तंज कसा है और कहा है कि मैनपुरी उपचुनाव के बाद शिवपाल यादव को फिर से समाजवादी पार्टी से मिलेगा धोखा। इटावा में सफी रोड पर भाजपा ने खोला कार्यालय। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान बोले कार्यकर्ताओं के दम पर जीतने जा रहे हैं मैनपुरी की सीट। यूपी में निकाय चुनाव की घोषणा दिसंबर के पहले हफ्ते में संभव। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद तारीखों का ऐलान संभव। सत्र की समाप्ति के बाद हो सकता है। यूपी सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने अहमदाबाद में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसंपर्क किया। गुजरात में फिर एक बार होगी भाजपा की जीत इसका दावा किया। उत्तर प्रदेश पुलिस झंडा दिवस के अवसर पर लखनऊ में सीएम योगी डीजीपी डीएस चौहान ने बैच भेंट किया। इस दौरान एडीसी कानून व्यवस्था भी मौजूद रहे। डॉक्टर्स की भर्ती पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि प्रदेश में 2500 चिकित्सकों की भर्ती होगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि पद सृजन कर रहे हैं। डॉक्टर्स मिलते ही नियुक्ति पत्र देंगे। मायावती ने ट्वीट कर सपा भाजपा पर बोला हमला। ट्वीट करके लिखा बसपा की सरकार में गरीबों का जीवन धन्य हुआ। सपा और भाजपा की सरकार में खास प्रगति नहीं हुई। मायावती के ट्वीट पर कांग्रेस नेता और सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा हम किसानों की जमीन पर पूंजीपतियों का कब्जा नहीं होने देंगे। प्रयागराज में अतीक अहमद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। ऑपरेशन माफिया के तहत 123 करोड़ की दो संपत्ति की गई कुर्क। झूसी के हवेलिया में पिता और चाचा के नाम पर खरीदी संपत्ति। शाहजहांपुर में भाजपा सांसद अरुण कुमार सागर को कोर्ट से फरार घोषित। वारंट जारी हुआ है। लोकसभा चुनाव के दौरान बगैर अनुमति प्रचार सामग्री लगवाने के मामले में वारंट जारी किया गया।
पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद की सवा अरब के से ज्यादा की दो संपत्तियां पर कुर्की की कार्रवाई। प्रयागराज के झूसे मोहल्ले के हवेली इलाके में 13 बीघे में बनी है संपत्तियां। नोएडा में गैंगस्टर सुदेश की संपत्ति कुर्क। बिस्ट्रक इंस्पेक्टर ने कुर्क वाली कार्रवाई की। 45 लाख रुपए की कीमत का फ्लैट कुर्क किया। कानपुर पुलिस के हाथ आते ही बच्चा सपा विधायक इरफान और उनके भाई कानपुर। पुलिस के पहुंचने से थोड़ी देर पहले बदला ठिकाना। कानपुर में मोतियाबिंद ऑपरेशन मामले में अधिकारियों ने संज्ञान लिया के आराध्य नर्सिंग होम का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। सीएमओ की स्पेशल टीम मामले की जांच कर रही है। अब 108 एकड़ में होगा अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि परिसर का निर्माण। मंदिर के परकोटे को बढ़ाकर करेंगे 8 एकड़। हिंदू समाज के पवित्र अंक 108 होने के कारण फैसला। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर चेन्नई से आए अतिथियों का स्वागत हुआ। डमरू वादन के साथ रेड कार्पेट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। गाजीपुर से बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी ने करोड़ों की सड़क का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई जा रही सड़क। सीतापुर में थानाध्यक्ष की गाड़ी पर पथराव हुआ। बच्ची को गोद लेने को लेकर दो पक्षों में चल रहा था विवाद। पुलिस की कार्यशैली से नाराज किन्नरों ने जमकर हंगामा किया। लखनऊ में गर्दन पर चाकू रखकर युवक ने पढ़वाया निकाम। हरियाणा ले जाकर किया शारीरिक शोषण। बिजनौर में दिन दहाड़े बाइक सवार दो नकाबपोश बदमाशों ने बीबीए के छात्र की सीने में गोली मारकर हत्या की। वारदात को अंजाम देकर मौके से भागे। आजमगढ़ में फर्जी दस्तावेज लगाकर 24 साल से शिक्षक की नौकरी करने वाला गिरफ्तार। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। गाजीपुर में सीजीएम कोर्ट के आदेश पर हॉस्पिटल की कुर्की का नोटिस चस्पा हुआ है। बीते दिनों अवैध अस्पताल में प्रसूता की मौत हुई थी। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही फरार आरोपी हॉस्पिटल संचालक। बागपत में नाबालिग छात्रा जंगल से सकुशल बरामद। पुलिस ने छात्रा को मेडिकल के लिए भेजा। पुलिस अदालत में लड़की के बयान कराएगी दर्ज। लखनऊ विकास प्राधिकरण में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। जाली दस्तावेजों के सहारे 30 से ज्यादा जमीनों को फर्जी तरीके से कराई गई रजिस्ट्री। गोमती नगर के 22 मामले आए सामने। अमरोहा में दारोगा की बेटी की बहू ने अवैध तमंचे से खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। मुजफ्फरनगर में हत्या का सनसनीखेज मामला। युवक ने महिला के कुएं में गिराकर की हत्या। महिला ने युवक पर लगाया था चोरी का आरोप। शामली में भाजपा नेता और पूर्व चेयरमैन अरविंद सिंगल को कोर्ट ने जेल भेजा। एससी मुकदमे में 4 दिन पहले भाजपा नेता के लिए जारी हुआ था जमानत का वारंट। बरेली में बेकाब बदमाशों ने लूट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया धूम स्टाइल में। बदमाशों ने लकड़ी व्यापारी को बनाया निशाना। पलक चपकते ही नोटों से भरा बैग ले उड़े बदमाश। रायबरेली में दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम देने वाले लुटेरे सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। बाइक पर सवार लुटेरों ने मुंह पर लगाए थे मास्क। मेरठ में एक मंचले ने नवी की छात्रा के साथ छेड़छाड़ की जिसका छात्रा ने वीडियो बना लिया। पुलिस आरोपी की तलाश में। बुलंदशहर में युवक की हत्या के बाद आक्रोशित परिजनों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस परिजनों को समझाने में जुटी। गाजियाबाद में फिरौती न मिलने पर बदमाशों ने बच्ची की हत्या कर दी। पुलिस ने जंगल से मासूम का शव बरामद किया है। लखनऊ के बेगरिया में प्रॉपर्टी डीलर का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की। कानपुर में मोतियाबिंद के मुफ्त ऑपरेशन में 6 लोगों की रोशनी जाने का मामला। एसएमओ ने एसके सिंह निक के नेतृत्व में मेडिकल कॉलेज पहुंची थी। जसपुर में एक फैक्ट्री में अज्ञात कारणों के चलते लगी भीषण आग। आग में एक व्यक्ति की मौत की खबर। 2 गंभीर रूप से झुलसे। आग के कारण लाखों का सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नोएडा के सेक्टर 88 में खड़ी बस में लगी भयंकर आग। देखते ही देखते बस आग में जलकर राख हो गई। आग में किसी की जनहानि की कोई खबर नहीं है। गाजियाबाद में बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। मथुरा में आगरा दिल्ली हाईवे पर कैंटो और डंपर की आमने सामने की टक्कर। हादसे में डंपर ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ। वृंदावन शोध संस्था में गुरु पंडित तोताराम शर्मा स्मृति समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राधेश्याम शर्मा, मोहन श्याम शर्मा, हरे कृष्ण वृंदावनी ने अपनी कला से समा बांध दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।